कौन है वो शैतान जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर यह कालदेव की छवि प्रकट की है? कौन है? नागलोकवासियों, हमारे पवित्र नागलोक पर किसी के अपवित्र कदम पड़ चुके हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, वो यहां से बचकर नहीं जाएगा। जो कोई भी हो हमारी आंखों से नहीं बच सकता। क्या समझते थे बुझा? तुम हमें धोखा देकर मणि लेकर चले जाओगे, लेकिन तुम भूल गए कि जहां मणि होती है वहां शैतानी शक्तियों का जोर नहीं चलता। आज से तुम हमारी कैद में हो, हमें आजाद कर दो नागरानी, वरना त्रिनाल लोक का राजा भुजंग तुम्हारे इस गढ़ को बर्बाद कर देगा। तबाही का ऐसा मंजर आएगा जिसमें तुम्हारा सब कुछ जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा बुझा। सैनिकों, ले जाओ इसे, इसे नाग कलश में बंद कर, नाग कलश में बंद कर। ले जाओ इसे। जाने कनक कहाँ चली गई? जब रुद्रा और कनक घर में नहीं होते तो मन घबराने लगता है कि कहीं वो एक दूसरे से ही ना लड़ रहे हो। हे भगवान, ये क्या हुआ आपको? ये कैसे हुआ? कहां गई थी आप? और ये चोटे, तो ये चोटे देखकर लगता है कि आपकी लड़ाई रुद्रा के साथ नहीं हुई, आपकी लड़ाई
जरूर किसी नागिन के साथ हुई है। किसके साथ हुई बेटा, और क्यों हुई ये लड़ाई? क्योंकि उस नागिन से अपने दोस्त की रक्षा करनी थी। दोस्तों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? क्योंकि दोस्त को बचाना हमारा फर्ज था। दोस्तों के प्रति फर्ज याद है, मगर अपने घर की तरफ कोई फर्ज याद नहीं। देख तो क्या हालत हो गई है। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या कहा? क्या फर्क पड़ता है हमें? कनक माँ है हम आपके, हमने जन्म दिया है आपको, आपको खरोच भी आती है तो कलेजा कहाँ फूटता है इस माँ का? कनक आप हमें पराया क्यों समझती हैं? कैसे समझेंगी आप इस माँ के दर्द को? आपको तो सिर्फ अपना ही दर्द दिखाई देता है, हमारे दर्द को आप क्या समझेंगी? कनक क्या दर्द है आपको बताओ बेटा, क्या दर्द है आपको? एक बेटी के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या होगा कि दुनिया के सामने एक बेटी अपनी माँ को माँ कहकर गले ना लगा सके। हम आपका दर्द समझते हैं बेटा, और हम आपको वो हक देना भी चाहते हैं। नहीं, नहीं दे सकते हम, नहीं दे सकते बेटा। छोड़ दो हमें, हम त्रिनाल लोक के महाराज हैं, नाग लोक को बर्बाद कर देंगे। त्रिनाल लोक के महाराज को नाग लोक की कैद में कोई परेशानी तो नहीं है ना? बहुत बड़ी गलती कर रही हो नागरानी, पछताओगी। छोड़ दो हमें, वरना नाग लोक में हर जगह लाशें ही लाशें होंगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो बुजा, नाग लोक पर शिव जी का आशीर्वाद है, ऐसा तो तुम कहीं नहीं सकते। और बर्बाद तो होगा त्रिनाल लोक, क्योंकि तुम्हारे पापों का घड़ा बढ़ चुका है। ये ख्वाब तो नागलोक वासी सदियों से देख रहे हैं। बस बुजा, हमारा ख्वाब पूरा होगा और उसकी शुरुआत होगी तुम्हारी मौत से। जाओ मार दो इसे। तुम हमें नहीं मार पाओगी नागरानी, मार पाओगी नागरानी, क्योंकि महाराज भुजंग, क्योंकि महाराज भुजंग अमर है, अमर। ताम्रपत्र की वजह से भुजंग अमर हो गया है। आज अपने अमर होने पर इतना खुश होना भुजंग, कल इसी अमरत्व को कोसोगे, मौत की भीख मांगोगे लेकिन मरोगे नहीं, क्योंकि तुम तो अमर हो ना। नागरानी तुम पागल हो गई, तुम भी पागल हो जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर कर दूंगी। मां तुम क्या करने वाली हो? सैनिकों इसे बेजान गुफा में डाल दो। नहीं, नहीं, नहीं। अब तुम्हारा अमरत्व तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा भुजंग। बेजान गुफा में ना तो तुम्हें हवा मिलेगी, ना रोशनी और ना ही पानी, और तुम मरोगी भी नहीं, क्योंकि तुम तो अमर हो ना।
टकराते रहना अपना सिर बेजान गुफा की दीवारों से। ले जाओ उसे। नहीं नगरानी, हमें छोड़ दो, हम भुजंग हैं, हम बर्बाद कर देंगे नागलोक को। तुम एक नाग होकर ये कैसे भूल गए भुजंग कि एक इच्छाधारी नाग अपना बदला लेना कभी नहीं भूलती। ले जाओ इसे। अमृता, 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 अमृता कहाँ चली गई? अमृता, लाइट चली गई। हाँ चली जाती है रात रात में। कुछ तो राज है, आखिर अमृता इतनी रात के जाती कहाँ है? अर्जुन क्या बात है, आप कैंडल लेके क्या कर रहे हैं? आप हमारी अमृता ही है ना? हाँ। मिस्टर हस्बैंड, इतनी रात को आप अपने कमरे में किसी और के होने की उम्मीद कर रहे हैं क्या? ये मजाक नहीं है अमृता, हमें क्यों ऐसा बार बार लगता है कि आप अचानक से गायब हो जाती हैं और फिर अचानक से हमारे सामने आ जाती हैं। अर्जुन आपको वहम हो गया? लेकिन हमें वहम क्यों होगा? क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। जब इंसान किसी को बहुत प्यार करता है ना, तो अपने साथी को खोने का डर हमेशा ही लगा रहता है। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, जाहिर सी बात है, डर तो हमें भी लगता है। अगर ये वहम है तो ये वहम ही रहे, हम तो आपके बिना जी नहीं पाएंगे। अर्जुन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं। कल अमृता को हर हाल में घर वापस आ जाना चाहिए, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं कहीं हम पकड़े ना जाए। आप? हाँ हम। आपके चेहरे पे गलत एक्सप्रेशन आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत हैरान हैं, खुश नहीं। आप खुश तो है ना? वैसे हेलो, नमस्ते। हमने तो सोचा था कि आप विदेश से आई हैं तो हम आपसे हेलो कहें, वरना हम भी नमस्ते कहते। आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि अमृता कहाँ है? जी अपने कमरे में। अच्छा, पता नहीं कैसी कैसी अमृता की सहेलियां हैं। कुछ कहा आपने? नहीं तो? तो सोचा होगा। आप सोचा हुआ भी सुन लेती? अब क्या करें,
कोई अगर इतनी जोर से सोचेगा तो फिर सुनाई दे ही जाएगा ना। वैसे आप क्या सोच रही थी? यही सोच रही थी कि अमृता की सहेलियां कितनी प्यारी हैं। अरे अम्बालिका, तुम कैसी हो? अमृता, वैसे एक बात कहें, बुरा मत मानना, तुम्हारे परिवार वालों को अपने चेहरे के आव भाव पर काम करना चाहिए। होते हैं खुश लेकिन लगते परेशान, समझ में नहीं आता। वैसे तुम तो खुश हो ना? हम बहुत खुश हैं। हम भी बहुत खुश हैं। लो हमारी शादी का कार्ड, बहुत ही सुंदर है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम केशव जी से नहीं कहती ना तो ये कभी मुमकिन नहीं होता, और हम यूं ही कुंवारे मर जाते, हमारे सारे सपने सपने ही रह जाते। लेकिन अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने सारे कपड़े गहने सब चीजों की तैयारी कर दी, और हमने ना हनीमून का टिकट भी बुक कर दिया। कहाँ जा रही हैं आप हनीमून के लिए? वो कुल्लू मनाली। आप सभी को आना है। कहाँ? आपके हनीमून पर? हनीमून पर हम लोगों को थोड़ी साथ लेके जाएंगे, आप भी ना। कब तो शादी के बारे में बात कर रहे थे, और हाँ, हमारी शादी पे अमृता नाचेगी। हम जरूर नाचेंगे। अच्छा अब हम चलें। वो क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को कार्ड देने हैं। अमृता, हमें बहुत खुशी हो रही है कि अब हम दोनों शादीशुदा हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अमृता नहीं है? होता है जब शादी होने वाली होती है ना, तो ऐसा ही होता है। सब कुछ बदला सा लगता है, और वैसे भी केशव के अलावा हम सभी लोग तुम्हें कुछ अजीब ही लगेंगे अभी। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, होता होगा। अब हम चलते हैं, बहुत सारे लोगों को कार्ड देने। ये दोनों तो सहेलियां हैं, फिर अम्बालिका को ऐसा क्यों लगा कि ये अमृता नहीं है? ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई कनक। क्या नाम है उसका? हाँ, भुजंग को नागलोक में कैद कर लिया गया है। अब हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। अब हम उस सपोले कनिष्क को ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि वो हमारे पीछे पीछे घूमता रहेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाबा, इस खुशखबरी में आप ये मत भूल जाइए कि कनक का इंतकाम अभी बाकी है। हम एक नागिन है, एक इच्छाधारी नागिन, जो अपना बदला 7 चंद तक नहीं भूलती। बाबा, उस रुद्रा को मारने में आपको हमारी मदद करनी होगी। अरे, तुम फिकर क्यों करती हो कनक? तुम्हारा ये बाबा हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रणाम बाबा। जय महाकाल। एक बार वो मणि हमारे हाथ लग जाए, फिर देखना कौन किसका साथ देता है। पहले जैसा ही है ना? सुख शांति, हमारी मणि, तुम और हम, सब कुछ, बस
कमी है तो तुम्हारे पिताजी की। काश नागराज यहाँ होते। लेकिन माँ, पिताजी तो नहीं। अमृता, मुझे आज भी विश्वास है कि तुम्हारे पिताजी का शरीर कहीं ना कहीं सुरक्षित है। आप ही ने तो देखा था ना, हमारे दुश्मनों को पिताजी के शरीर जलाते हुए। अगर हमारे किस्मत में पिताजी का प्यार लिखा है तो हमें वो जरूर मिलेगा। लेकिन अमृता, जो लोग हमारी जुदाई का कारण है ना, उन्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम हमारे दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और पिताजी का शरीर जहां कहीं भी होगा, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। बहुत देरी हो गई है, हमें अपने घर चलना चाहिए। कौन सा घर? अमृता, ये नागरों की तुम्हारा घर है। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तुम्हें यही रहना होगा हमारे साथ।